ये बनारस है, महादेव का बनारस, जहाँ पूरा विश्व तेजी से आधुनिकीकरण की ओर भाग रहा है। वहीं बनारस दिल में एक सुकून लिए अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजोए हुए है। देश की सांस्कृतिक राजधानी में ही एक विश्वविद्यालय है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना वसंत पंचमी के अवसर पर 1916 में हुई। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने काशी में अपनी बगिया बसाई। इस विश्वविद्यालय को महामना की बगिया भी कहा जाता है। कहते हैं प्रारंभ में इसे गंगा नदी के किनारे बनाने की योजना थी, किंतु उसी साल गंगा में भयानक बाढ़ आई, इसलिए इसे गंगा से दूर बसाना पड़ा। मालवीय जी का सपना था कि गंगा की एक धारा विश्वविद्यालय में लाई जाए। महामना का यह ख्वाब ख्वाब ही बनकर रह गया। आज हम आपको महामना के इसी बगिया का भ्रमण करवाएंगे। बीएचयू के मुख्य द्वार पर ही महामना साक्षात विराजमान हैं। यहाँ पढ़ने वाले सभी छात्र महामना के मानस पुत्र कहे जाते हैं। ये महादेव से पहले ही महामना के आगे सर झुकाते हैं। मेन गेट से अंदर घुसते ही वाग देवी की प्रतिमा साक्षात विराजमान है। उसी चौराहे पर बाईं तरफ महिला महाविद्यालय है। महामना महिला शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। इसके लिए उन्होंने कैंपस के अंदर ही महिलाओं के लिए विशेष महिला महाविद्यालय की स्थापना 1929 में की। इसके ठीक दूसरी तरफ सर सुंदरलाल अस्पताल है, जो पूर्वांचल का सबसे बड़ा अस्पताल है, जिसकी स्थापना 1926 में बीएचयू के पहले कुलपति सर सुंदरलाल के नाम पर हुई। पहले चौराहे से दाहिने मुड़ने पर सबसे पहले मालवीय भवन दिखेगा। यह महामना का अस्थायी निवास था, जिसे 1961 में सबके लिए खोल दिया गया। हर साल 25 दिसंबर को महामना के जन्मदिवस के अवसर पर यहाँ पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन होता है। इसके ठीक बगल में कुलपति आवास है, जहाँ रहकर यहाँ के कुलपति महामना के आशीर्वाद से अपने सारे कार्य संपन्न करते हैं। यहीं से बाएं तरफ चीफ प्रॉक्टर ऑफिस है, जहाँ विश्वविद्यालय की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। इसके बगल में देश के युवा एनसीसी सीखते हैं। इसी ऑफिस के बाद से हॉस्टल लेन प्रारंभ होता है, जिसमें विश्वविद्यालय के तमाम अंतर्वासी रहते हैं। इनमें बिरला हॉस्टल, राजा राम हॉस्टल, आचार्य नरेंद्र देव हॉस्टल, भाभा हॉस्टल इत्यादि हैं। इसी लेन पर विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए विशेष रूप से बीमार होने पर हेल्थ सेंटर की भी व्यवस्था की गई है। बीएचयू गेट के दूसरे चौराहे से बाईं तरफ मधुबन है, जिसमें एक नृत्यांगना की आकर्षक मूर्ति भी है। इससे आगे बढ़ने पर संगीत एवं मंच कला संकाय है, जिसके ठीक सामने DSW ऑफिस है। इसी तरफ आगे बढ़ते हुए आपको बनारस का शानदार संग्रहालय भारत कला भवन दिखेगा, जिसमें सभी पुरातात्विक चीज़ें संरक्षित की हुई हैं, जिन्हें देखते देखते सुबह से शाम हो जाती है। इसी के अंदर महामना जी को मिला
भारत रत्न भी रखा हुआ है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबंधित कई लोग आज तक भारत रत्न पा चुके हैं। भारत कला भवन से ठीक आगे बढ़ने पर दृश्य कला संकाय है। इसके बाद BHU का सबसे पुराना संकाय, जो कि मातृ संकाय के नाम से भी जाना जाता है, कला संकाय है। इसी से आगे बढ़ने पर सामाजिक विज्ञान संकाय, विज्ञान संस्थान, वाणिज्य संकाय और कृषि संस्थान हैं। कृषि संस्थान के बगल में ही श्री काशी विश्वनाथ मंदिर है, जिसे बिरला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। महामना का स्वप्न था इस मंदिर का निर्माण, लेकिन इसी बीच महामना ने अपना शरीर त्याग दिया। बाद में महामना के इस स्वप्न को साकार करते हुए जुगल किशोर बिरला ने इसका निर्माण करवाया। 252 फीट ऊंचे इस मंदिर का शिखर भारत में सबसे ऊंचा शिखर है। इसी के पास अध्ययन के लिए केंद्रीय ग्रंथालय और साइबर लाइब्रेरी है, जिसमें पढ़कर न जाने कितनों ने अपना भविष्य स्वयं लिखा है। मेन गेट के तीसरे चौराहे पर बाईं तरफ ला फैकल्टी है, जिसने आज तक भारत को अनगिनत जज और सिविल सेवार्थी दिए हैं। इससे आगे बढ़ने पर केंद्रीय कार्यालय और परीक्षा नियंत्रक कार्यालय है, जहां विश्वविद्यालय के सभी कागजी कार्य संपन्न किए जाते हैं। केंद्रीय कार्यालय के ठीक बगल में ही स्टेट बैंक भी है। इसके ठीक सामने कृषि फार्म है। इसके बाद संगणक केंद्र और फिर BHU का सबसे बड़ा सभागार स्वतंत्रता भवन आता है, जहां BHU के सभी बड़े कार्यक्रम संपन्न किए जाते हैं। BHU मेन गेट के चौथे चौराहे से खेल का मैदान, जिसे एम्फी थिएटर के नाम से जाना जाता है, पड़ता है, जिसमें विविध आउटडोर गेम जैसे बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट और इसके साथ ही सभी प्रकार के इंडोर गेम्स भी खेले जाते हैं। इन सब के अतिरिक्त IIT BHU की एक विशिष्ट पहचान है। BHU के संकायों के ठीक बगल में IIT BHU है, जिसमें कई विभाग हैं, और इसी तरफ IIT BHU के कई हॉस्टल जैसे मोरवी हॉस्टल, विश्वेश्वरैया हॉस्टल आदि हैं। इसी के पास आधुनिकता से परिपूर्ण CCD खुला है। इन सभी के अलावा BHU में एक जिमखाना भी है और सभी हॉस्टलों के लिए अलग अलग खेल के मैदान बने हैं। यहाँ पढ़ने वाले छात्र पढ़ाई के साथ ही मानवता के हित के लिए NGO भी चलाते हैं और कई गरीब बच्चों को भी पढ़ाते हैं। BHU में ही चिकित्सा विज्ञान संस्थान और आयुर्वेद संकाय के साथ ही ज्योतिष की भी पढ़ाई होती है। अर्धचंद्राकार रूप में बसे BHU को भारत के सर्वोच्च विश्वविद्यालयों में तीसरा दर्जा प्राप्त है। BHU के अंदर ही मालवीय शिशु विहार तथा केंद्रीय विद्यालय भी स्थित है। इसके अलावा BHU का दक्षिण परिसर राजीव गांधी दक्षिण परिसर बरगछा मिर्जापुर में है। शिक्षा संकाय का कैंपस कमच्छा में स्थित है। इसके अलावा BHU से चार अन्य कॉलेज संबद्ध हैं। इनमें वसंता कॉलेज ऑफ वुमेन, विक्रम कन्या महाविद्यालय, आर्य महिला PG कॉलेज और DAV PG कॉलेज हैं। 1300 एकड़ में फैले इस विश्वविद्यालय में करीब 35,000 छात्र पढ़ते हैं। 6 संस्थान, 14 संकाय और 140 विभागों से मिलकर बना ये BHU दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से एक है। धन्यवाद।